जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई देवेंद्र देसवाल मुड़िया कठुमर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय मेरे बड़े भाई मोनू शर्मा जी खेड़ा हाजीपुर मई खदौली आगरा से पेड़ की झनकार दे रहे हैं। बड़े भैया नवीन देसवाल जी मुड़िया कठुमर से और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर सुनिएगा सर्वप्रथम सती दादी के प्रांगण में बैठे हुए जितने भी श्रोता बंधु पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान भाई यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मां शक्ति दूर दराज से पधारी हुई जिगड़ी प्रेमी देवता संगीत के शौकीन श्रोतागण संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहां पर उपस्थित हैं मंच पर आसीन हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामी नमस्कार है राम राम साहब रे साहब राम राम तो ले ही लियो सभी कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं लेकिन नवीन भैया फिर भी कोशिश करूंगी कहा है क्या फूस की आ डटे ये आसुमा गिरे तो डटे कहो लेकिन कहा कि मेरो वियोग पिया से मिटे और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे अरे और लिखी तो सब ही मिटे बाबा या विधि की लिखी मिटे कहो ये जीव जब गर्भ के अंदर होता है उस परमपिता परमात्मा से ये वायदा करता है ए प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकाल मैं धरती पर जाते ही तेरा भजन करूंगा परमात्मा कहता है हे मूर्ख इंसान तू भजन तो करेगा क्या लेकिन मैं बताऊंगा तू करेगा क्या भैया मोनू कहा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में परमात्मा कह रहा है तू देख करेगा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा और देखिए एक बार निवेदन करूंगी जिसको प्रभु ने सुंदर सुंदर दो हाथ दिए एक बार अपने दोनों हाथों को उठा करके जिज्ञासा को पवित्र करते हुए प्रेम से बोलेंगे बोलिए सती दादी की और भैया कहा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा लेकिन अरे ओ बाप रे पीछे पछताए राधे और एक से एक रुपए का पुरस्कार गुप्त दान बहुत बहुत धन्यवाद भैया कहा क्या और या काम क्रोध मद लोभ मोह में कछु से गवैया ने तो आन बनाए राखी है के मंच पे तो उतरनो ही ना है
पर मैंने सोच रहा कि ये या बरौली छार का चाहे वो कितने उन्हें हम तोड़ने पड़े पर आऊंगी जरूर। भैया मोनू कहा क्या और या काम क्रोध मध लोभ मोह में, काम क्रोध मध लोभ मोह में तू फंस जाएगा। लेकिन अरे ओ बाप रे पीछे खुला ले दी थी। हाँ भैया अरे शुभ कर्मों की बंदे क्या, अरे शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई, शुभ कर्मों की। अरे 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई और अरे संग में बाबा तेरे, संग में भैया तेरे जावेगी भलाई, संग में। सबन ने कहा जंग तो राख ले तो राख क्यों मत, ठीक है ठीक है, मंच भाई पहुंचा दी ईमानदारी से। भैया कहा क्या, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई और संग में बाबा तेरे, संग में भैया तेरे जावेगी भलाई, संग में दे रहे तुम्हें दे रहे सबन नहीं ले जाऊंगा। और कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा, 51 रुपए का घुटड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। बाबा तुम दे रहे का दे दे साहब का तू बेमानी करवा रहे मन पर। कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जो जस कर ही सो तस फल। जब कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा, लेकिन अरे ओ बाप रे पीछे किनारे जाके और ऊंचे
रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है, उस चिता में अपने प्राणों को देना चाहता है। सज्जनों जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही, होता क्या है भैया मोनू, कहा क्या दे रही है, हमें पता ही ना पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या, जिसने न करी गुरु की सेवा, क्या जिसने न करी गुरु की सेवा, और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। भैया मोनू पिल्लू 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जिसने न करी गुरु की सेवा, हे रब ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसकी ना भट्टी बिभाई हो वो पीर पराई क्या जाने, जिसकी ना भट्टी। गुड्डू पहलवान जी इनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जिसने खाया हो माल मुफ्त, और 1 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी दे रहे हैं इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जिसने खाया हो माल मुफ्त, और वो धर्म कमाई क्या जाने। भैया जिसने खाया हो मालूम फत, हेर वो धर्म कमाई क्या जाने। और कछु रहे वो दिखे, जिसने खाया हो मालूम फत, और वो धर्म कमाई
तो दे 100 रुपया। फिर से 1000 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया पेंटर पिल्लू जी दे रहे हैं इनके लिए। जोरदार तालियां बजाएं आप भैया। कहा समय समापन की ओर है अम्मा। जिसने खाया हो माल मुफ्त और वो धर्म कमाई क्या जाने। अच्छा बिमला मौसी न्युक्त हो। फिर से 51 रुपए का पुरस्कार हमारी बिमला मौसी जी दे रही है इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जिसने खाया हो माल मुफ्त है रब वो धर्म कमाई क्या जाने। और बच्चे की ममता क्या होती ये बात लुगाई क्या जाने। सो है का समय चलो नंबर पे धन्यवाद भैया। नहीं आए कि दे जा।